बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम और मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की भरमार है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी अगर आप बात करें ओवरऑल पाकिस्तान में तो बहुत सारी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चक्री रोड पे मुख्तलिफ ऐसी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी, मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी, अब्दुल्ला सिटी और मोविडा सिटी। आज हम बात करेंगे मोविडा सिटी पे कि मोविडा सिटी के पास आया जगह कितनी है, अभी तक वो अपनी फाइल्स कितनी बेच चुके हैं और आया कि कितने लोग इसके जो इन्होंने अभी तक लोगों को फाइल्स दी हैं, क्या उनको प्लाट अभी तक मिल चुके हैं या नहीं। मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताऊंगा कि मोविडा सिटी बेसिकली एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, वो आरडीए से रजिस्टर्ड नहीं है। आरडीए से रजिस्टर्ड होने का मतलब ये होता है कि उसके पास एनओसी है या नहीं है। उसके पास एनओसी है ही नहीं और ना ही लेआउट प्लान है उसके पास कि उसके पास एक लेआउट प्लान होता है कि आपके पास इतनी अराजी है और आप इतनी बेच चुके हैं या इतनी बेचना चाहते हैं। लेकिन मोविडा सिटी के पास इस वक्त ना एनओसी है ना लेआउट प्लान है। हमने लास्ट टाइम भी उनसे मौकफ जानने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारा फोन अटेंड नहीं किया। अगर मोविडा सिटी के मालिक और उनके जो फ्रंट मैन है तजम्मुल हुसैन, वो हमसे मौकफ हमें देना चाहेंगे तो हम 101 वो भी चलाएंगे। लेकिन मोविडा सिटी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। मोविडा सिटी में इस वक्त जो अराजी है उनकी जो कनाल में है, मीन्स के ऐसे है उनकी जगह कि कुछ आधा कनाल एक रोड पे है, उससे चार गज के फासले पे कनाल उनके पास ऐसी जगह है, लेकिन वो इस वक्त फेसबुक, ट्विटर और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया की एप्स हैं उस पे अपने इश्तेहारात चला रहे हैं और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको उन इश्तेहारात से गुमराह करते हैं और उनको मुख्तलिफ किस्म के इश्तेहारात दिखा कर लूटने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने उस पे इन्वेस्टमेंट भी की है। आया कि हम ये देख रहे हैं कि मोविडा सिटी के जो फ्रंट मैन है तजम्मुल हुसैन, वो आए रोज फेसबुक, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इश्तेहारात और सट्टाबाजी करते रहते हैं कि आया हमारे पास इतनी जगह है, हम ये हम इस तरह का प्लान दे रहे हैं। मुख्तलिफ तस्वीरात जो है सामने आती हैं, लेकिन मोविडा सिटी एक गैर कानूनी, मुख्तलिफ तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं। और मैं नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूं कि जो मोविडा सिटी है इससे पहले 8 नाम ये तब्दील कर चुकी है। मुख्तलिफ ऐसे मोविडा सिटी का ये होता है कि अपना जो उन्होंने जाल बिछाया होता है उसमें जब लोग फंस जाते हैं तो वो अपना नाम चेंज कर देते हैं और नाम चेंज करके एक नए नाम से मार्केट में आ जाते हैं। इस पे आरडीए ने भी जो है रिपोर्ट बना रखी है और आरडीए ने एफआईए साइबर क्राइम को जो रिपोर्ट है वो भेज चुके हैं और इस पे नैब भी इंक्वायरी करा और ये नैब क्वेश्चंस में आ रही है। मैं नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि मोविडा सिटी इससे पहले 8 नाम चेंज कर चुकी है और लोगों से फ्रॉड करने के नए से नए अंदाज हैं इनके। मोविडा सिटी जो है इस वक्त नैब क्वेश्चन में है और नैब के जो नैब अकाम है उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने हमें ये बताया कि इनके खिलाफ जो हम रेफरेंस दायर करें और ये 20 साल बाद एक नैब में रेफरेंस दायर होगा और इस पर बहुत जल्द कार्रवाई नजर आएगी। तब तक के लिए मेजबान मोहम्मद उस्मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।